तो हम शुरू करते हैं पीछे से। आप समझ लो आपने यहाँ पर एक फैन लगाया है, उसके बाद आपने लगाया है एक हीट स्ट्रिंग, उसके ऊपर आपने ये एलईडी लाइट लगाई हुई है, तो आपको उसके बाद लगाना है एक रिफ्लेक्टर। अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाना चाहते तो उसकी जगह पर आपको एक कंडेंसर लेंस लगाना होगा। तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो हम एलईडी लगाते हैं उसकी जो लाइट होती है, उसकी जो रोशनी होती है, वो इधर इधर फैल जाती है और सीधी तरह से वो एलईडी जो हम पैनल लगाते हैं उस पर नहीं पड़ती है। तो इसलिए रिफ्लेक्टर की ज़रूरत है कि वो जो लाइट है इधर इधर ना फैले, हमारी जो एलसीडी पैनल लगी होती है, डिस्प्ले होती है, उस पर पड़े और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि जो हमारे जो वीडियो की इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी ब्राइट हो जाती है। तो फ्रेंड इसके बाद हमें लगाना है एक फ्रेशनर लेंस। तो फ्रेंड अगर आप इस फ्रेशनर लेंस को सही तरह से नहीं लगाते हो तो आपकी जो इमेज क्वालिटी है, वीडियो की जो क्वालिटी है, वो बिगड़ सकती है। यहाँ पर हम उंगली घुमाने से पता कर सकते हैं कि ये पूरा जो बाग है ये पूरा प्लेन है, और यहाँ पर दूसरी साइड हमें उंगली लगाने से यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सर्कल जैसा कुछ बना हुआ होता है। तो इस साइड को हमें बाहर की साइड यानी इस तरफ हमें यहाँ पर उसको लगाना है। ये पूरा प्लेन बाग है, ये अंदर की साइड, और ये सर्कल वाला बाग जो है ये हमें बाहर की साइड लगाना है। अगर आपके पास इस तरह का फ्रेशनर लेंस नहीं है तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मैग्नीफाइंग यहाँ पर शीट्स होती है फ्रेशनर लेंस की, वो आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी। उसके बाद हमें लगाना है एलसीडी डिस्प्ले, एलसीडी पैनल। पर उससे पहले हमें जो ये एलसीडी पैनल के पीछे जो बैक लाइट होता है उसका जो रिफ्लेक्टर वगैरह शीट लगाई हुई होती है वो सब रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम प्रोजेक्टर में इस एलसीडी को हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप इस एलसीडी को गलत दिशा में यानी गलत साइड पर लगा देते हैं तो आपका जो इमेज होता है वहाँ पर जो वर्ड आते हैं वो आपको उल्टे दिखाई देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आज बताऊँगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर एलसीडी को लगाना है ताकि जो इमेज है, जो वर्ड होते हैं, वो आपको सीधे दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल है, ये ऊपर का जो डिस्प्ले का भाग है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमें वर्ल्ड, ये इमेज हमें सीधे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये एलसीडी डिस्प्ले। तो ये हुआ उसका ऊपर का भाग जो हम मोबाइल में अक्सर देखते हैं। तो ये डिस्प्ले का आगे का भाग और ये है पीछे का भाग। तो हमें यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले को कुछ इस तरह से आगे का भाग जो है वो हमें जो फ्रेशनर लेंस लगाया है उसके सामने कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर लगाना है। फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आप अपने प्रोजेक्टर में एलसीडी यूज़ कर रहे हो वो मैंने बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर लगाना है। अगर आप कुछ इस तरह से उस एलसीडी को अपने प्रोजेक्टर में कुछ इस तरह से आप दूसरी साइड लगा देते हैं तो आपका जो इमेज होता है वो आपको स्क्रीन पर उल्टा ही दिखेगा। जो इमेज में आपको टेक्स्ट दिखेगी वो उल्टे ही दिखेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप इस तरह से एलसीडी डिस्प्ले को दूसरी साइड पर लगा देते हैं तो आपको जो टेक्स्ट है अपनी स्क्रीन पर, जो आपको ये टेक्स्ट दिखेंगे कुछ इस तरह से उल्टे दिखेंगे। तो यहाँ पर आप मिरर यूज नहीं कर रहे तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले को आपको लगाना होगा ताकि आपका जो इमेज है वो आपको सीधा दिख सके। तो उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है एक दूसरा फ्रेशनर लेंस। अगर आप ये फ्रेशनर लेंस भी गलत दिशा में लगा देते हो तो आपकी वीडियो क्वालिटी जो है बिगड़ सकती है। तो किस तरह से ये लगाना है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किस तरह से लगाना है, उसके बाद हम यहाँ पर किस तरह लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उंगली घुमाने पर यहाँ पर आपको पूरा सर्कल जैसा भाग दिखेगा, सर्कल जैसा महसूस होगा, और दूसरी साइड पूरा प्लेन है, ये बाहर की साइड लगाना है कुछ इस तरह से। तो
तो फ्रेंड यहाँ पर हमें दूसरा फ्रेशनर लेंस लगाना जरूरी है। वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी बनाने के लिए फ्रेशनर लेंस लगाना जरूरी होता है। अगर हम फ्रेशनर लेंस यहाँ पर नहीं लगाते हो तो जो हमारा जो वीडियो क्वालिटी होता है वो बिगड़ जाता है। जो उसकी साइड कर्नर होते हैं प्रोजेक्शन पर वीडियो की, वो कर्नर कट जाते हैं या ब्लर दिखने लगता है। इसलिए वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए यहाँ पर फ्रेशनर लेंस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये साइज बताई है कि कितनी दूरी पर आपको ये लेंस वगैरह रखना है, तो आप इस साइज पर ही, इस दूरी पर ही ये रखें ताकि आपका जो प्रोजेक्टर है वो अच्छा बने, अच्छा वीडियो क्वालिटी का प्रोजेक्टर आप बना सकें। तो यहाँ पर हम उसके बाद लगाते हैं प्रोजेक्शन लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस। तो ये इमेज प्रोजेक्शन के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेशनर लेंस का जो फोकल पॉइंट होता है उसके बीचों बीच ये हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें लगाना है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का लेंस नहीं है तो आप कुछ इस तरह का मार्केट से ये मैग्नीफाइंग लेंस आप खरीद सकते हो अच्छी क्वालिटी का, और अपने प्रोजेक्टर में उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट जरूरी एक चीज हमें करना है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से हमें ये ऐप हमें डाउनलोड कर लेना है। जिस मोबाइल से आपने प्रोजेक्टर बनाया है, जिस मोबाइल का, उस प्रोजेक्टर में आपको ये ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन का प्रोजेक्टर बनाते हैं तो उसका स्क्रीन यहाँ पर रोटेट हो जाता है, तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमें ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। यहाँ पर उसे हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से हमें जो ऐप है वो ओपन करना है, और कुछ इस तरह से हमें ये सेटिंग कर लेना है ताकि जो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर जो हमारा स्क्रीन जो होता है, वीडियो होता है, वो ऊपर का नीचे हो जाता है तो हम उसे सीधा कर सके। इसलिए ये ऐप डाउनलोड करना हमें जरूरी है।